तो ये सब जो है सारे विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री जो है उन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है। तीसरा आ गया मंत्री परिषद का कार्य संचालन। मंत्री परिषद का कार्य संचालन कार्य संचालन मंत्री परिषद की जो भी बैठकें वगैरह होगी उसकी जो है कौन कार्रवाई करता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद की समस्त बैठकों की कार्रवाई सभी बैठकों की कार्रवाई प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। हाँ, अरे तुम्हारे को नेट की समस्या है यार, लड़कियां कह रही है साफ दिख रहा है अपने को, है साफ दिख रहा है? देख ये कह रहे हैं साफ दिख रहा है। हाँ, तेरे को नेटवर्क में समस्या है या कोई फोन का जो कैमरा वगैरह उसकी क्वालिटी वगैरह खराब होगी है? फिर क्या दिक्कत है? 400 MB तथा फिर तो क्या दिक्कत हो चुके थे यार, किसी के पास आ रही है तो अरे आवाज तेरी सी नहीं आ रही। अरे तो फिर भी मेरे पास आवाज ठीक से क्यों नहीं आ रही? तो तथा सभी एजेंडा एक मिनट रुको द्वारा निर्धारित तुम्हारी जो है देखो किस किस के पास आवाज सही आ रही है, हैं? आवाज और ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ आ रहा है, ये लोग सब अब हाँ कर रहे हैं, फिर तेरे के लिए क्या समस्या आ रही है? एक दो के देखो दूसरी और तीसरी पावर जो प्रधानमंत्री की है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार, यानी कि किस जो है मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये सब जो है किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा निश्चित किया जाता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। मंत्री परिषद का कार्य संचालन, यानी कि मंत्री परिषद की जो भी सभी बैठकें होंगी उन सभी बैठकों का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री द्वारा ही सभी बैठकों की कार्यवाही की जाती है या सभी जो है बैठकों का सभापति प्रधानमंत्री ही होता है। इसके अलावा तथा सभी एजेंडा, जो भी एजेंडा होगा मीटिंग का, मीटिंग में क्या बातचीत होगी, किन विषयों पर बातचीत होगी, ये सभी जो है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। एजेंडा मतलब जैसे मान लो आज जो है शिक्षा से संबंधित मुद्दे पर बात करनी है, तो ये सबसे पहले प्रधानमंत्री ही बताएगा कि अपने को किन किन मुद्दों पे, किन किन इशू पे बात करनी है, क्या क्या बात करनी है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? एजेंडा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एजेंडा। भाई किन मुद्दों पर बातचीत होगी, तो किन मुद्दों पर बातचीत होगी ये भी डिसाइड कौन करता है? प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। रफ कर दूं,
शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय यानी कि शासन के जो भी विभाग है उनमें क्या बनाता है, ये समन्वय, ये आपस में जो है वो एक दूसरे से मिलजुल कर काम, ये आपस में बात क्यों है, समस्त विभागों में सभी जो विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय स्थापित करता है ताकि वो सब मिलकर एक इकाई के रूप में काम कर सकें। ये भी जो है किसके द्वारा किया जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का नेता, वह जो है लोकसभा का नेता भी होता है और कानून निर्माण के कार्य इसके द्वारा ही किए जाते हैं। देखो इसके बाद जो है और दो फंक्शन क्या क्या होंगे, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय भी बनाए रखता है, समस्त विभागों में समन्वय यानी कि जो सभी विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय बना सके ताकि वो सभी विभाग जो है एक यूनिट की तरह या एक इकाई के रूप में काम कर सकें। लोकसभा का नेता, वह लोकसभा का नेता है और जो भी कानून वगैरह लोकसभा में बनाए जाएंगे उन सब कानूनों का नेतृत्व भी कौन करता है, प्रधानमंत्री ही उनका नेतृत्व करता है, है? नेतृत्व वही देगा सभी कानूनों का, यानी कोई बताएगा कौन सा कानून बनाना है कौन सा कानून नहीं बनाना, तो उन सब का नेतृत्व या उनकी लीडरशिप वही करता है। रफ कर दूं,
आपकी पावर जो है आती है लिंक बिटवीन, यानी कि जो है यह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो है संबंध स्थापित करता है। देखो जो भी आपकी मंत्रिपरिषद वगैरह है उसके बीच तथा जो है जो आपका राष्ट्रपति हो गया उसके बीच जो है ये बीच संपर्क स्थापित करता है। मंत्रिमंडल की सलाह है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का परामर्श, ये काम भी जो है किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। विभिन्न पदों पर विभिन्न पद प्रदान करना, ये लास्ट है सातवीं, विभिन्न पद प्रदान करना। देखो और दो आपके जो फंक्शन होंगे, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि मंत्रिमंडल की जो भी सलाह है उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री। और जो राष्ट्रपति ने जो परामर्श दिया है उसको वापस मंत्रिमंडल तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है इस मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति
विभिन्न पद प्रदान करना, राष्ट्रपति के द्वारा कई पदों पर नियुक्ति की जाती है, गवर्नर के पद पर नियुक्ति होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, कई फॉरेन एम्बेसडर हो गए, केक हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, तो इन सब पदों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन सबसे पहले वो जो इन पदों की नियुक्ति संबंधी जो सलाह लेता है वो किसे लेता है? प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह ली जाती है। तो नियुक्ति एक्चुअल में राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से वह ये सब नियुक्तियां या अपॉइंटमेंट करता है। नोट कर लिया? कर लो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। नियुक्ति व कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। अनुच्छेद 74 में जो है आपका ये दिया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सहायता एवं परामर्श राष्ट्रपति के अनुसार, मतलब राष्ट्रपति की सलाह व परामर्श के लिए राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी।
इसका प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 में बताया गया है साफ साफ कि जो है राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिमंडल होगी और जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये सब मिलकर जो है किसको, राष्ट्रपति को सलाह देने का काम है करेंगे। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो एक्चुअल जो है आपका कार्यपालिका होती है वो तो ये मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति तो केवल इसकी सलाह से काम करता है या वह केवल नाम मात्र का होता है। इसी में जो है हम लोग अगला चीज टॉपिक देखते हैं, मंत्रिपरिषद का गठन किस तरीके से किया जाता है। तो हमने पहले भी देख लिया था क्या थोड़ा बहुत, तो मंत्रिपरिषद का गठन किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले जो है क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से किसको चुना जाता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। और कर्ता कौन है, वही राष्ट्रपति। तो हम लोग लिख सकते हैं अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तथा उसके बाद राष्ट्रपति, देखो ध्यान से सुनते भी जाना देखते भी जाना, राष्ट्रपति सभी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। चुनेगा भी प्रधानमंत्री, उनकी जो मंत्रियों की लिस्ट है बनाकर वो राष्ट्रपति को कौन देगा। हाँ, सारा काम जो है किस किस को बनाना है मंत्री, किसको नहीं बनाना, ये सारा काम की लिस्ट बनाकर प्रधानमंत्री किसको दे देगा, राष्ट्रपति को दे देगा। और राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो बताए गए मंत्रिपरिषद है उन्हीं की वह नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति, और सलाह किसकी होगी, प्रधानमंत्री की। लेकिन वो सलाह कैसी होगी, वो सलाह बाध्यकारी होगी या वो सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ती है, या जो प्रधानमंत्री ने जो नाम बता दिए राष्ट्रपति उन्हीं नामों को मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है। आई के बाद समझ में, चलो नोट करो। नेक्स्ट आपका
इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो आता है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, वही द्वारा हम लोग थोड़ा उसे ही मिलता जुलता है, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। तो मंत्रियों का चयन को कौन करेगा? प्रधानमंत्री। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है। तथा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। हो गया। मंत्रियों में कार्य विभाजन, तो जो है मंत्रियों को उनका पोर्टफोलियो प्रदान करने का जो है काम भी किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के ही द्वारा किया जाता है। ये दो टॉपिक और हो गए मंत्री परिषद के गठन में, कौन कौन से हो गए? प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाएगा, कौन कौन मंत्री पद बनेंगे उसका चयन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, और फिर मंत्रियों में क्या किया जाएगा? कार्य विभाजन किया जाएगा, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये सब प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। हो गया। बाकी का हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा अपना, एक या दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना? है क्या चयन क्या होता है? चुनना, किस 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 को चुनेगा प्रधानमंत्री? वो चुनने का काम तो प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन उनकी नियुक्ति का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति का काम करता है। और कुछ है? बस चलो ठीक है, बाकी की जो हम लोग क्लास है उसको नेक्स्ट मंगलवार को हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर ज्यादा नहीं बचा अपना, दो या तीन क्लास का बचा है, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल तैयार कर लें, कर लिएगा पीछे का सारा तैयार? हाँ, अरे चैप्टर को तैयार कर लिएगा सारा? हो गया, चलो ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा चेंज है, शाबाश, चलो ठीक है, ओके बाय, ऑल ऑफ यू।